अस्सलाम वालेकुम, आप सबका रुबास ऑल इन वन किचन में एक बार फिर वेलकम है। मतलब जो है सुबह ना उठ के सर ना दर्द हो रहा था। खैर हुआ ये कि आज ना मेरी मम्मी की बर्थडे है, तो मैं कुछ बढ़ाने वाली, मतलब मैंने सोचा कि आप लोग को दिखा दें कि मेरा दिन कैसे गुजरता, अ डे इन माई लाइफ व्लॉग है ये छोटा सा। अगर मतलब पता नहीं कितना लंबा होता है, क्योंकि आज मुझे वीडियो शूट करनी है, मेरा आज पेपर भी है कॉलेज में। तो आप मेरे साथ चलें और मैं आपको दिखाती हूँ। सो आप मेरे साथ चलेंगे, हम देखते हैं क्या पूरे दिन में क्या होता है, क्योंकि आज बहुत हेक्टिक दिन है। और आप देख लें मेरे रूम की हालत बहुत ख़राब हो रही थी, इसलिए मैं अपना ऐसे प्रॉपर शूट नहीं करती। सुबह सुबह तो बहुत ही हालत ख़राब हो रही होती है। खैर तैयार होते हैं, पहले काम भी करके जाने, कुछ प्रिपरेशन करके जाएंगे ताकि आके वीडियोज़ बनाने में आसानी हो, और फिर पढ़ना भी। एक्चुअली पेपर है मेरा, आज मिड टर्म का पेपर है, तो चलो ओके भाई। देखें सुबह सुबह मैं कॉलेज जाने से मतलब पहले यहाँ पे वीडियो की तैयारी करके जा रही हूँ, तो मतलब जो शूट करना है। तो यहाँ पे मैं कस्टर्ड बना रही हूँ ताकि वो ठंडा हो जाए। उसके अलावा मतलब कभी आप लोगों को सुबह सुबह उठ के ऐसे मीठा खाने की, मतलब ठंडा मीठा चॉकलेट शेक, कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी पीने का दिल चाहे, मतलब अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे चॉकलेट शेक, और चलो इंजॉय करते हैं। माय चॉकलेट शेक इज़ रेडी, मतलब मैं बहुत ऐसे ही जल्दी जल्दी बना रही थी, आप पीते हैं। इट्स लुकिंग यम यार। दो मिनट में किचन में काम करा है, मतलब ये देखें अभी मैंने आपको सामने शेक बनाया, ये देखें मैं दो मिनट किचन में काम करूँ और डिज़ास्टर ना हो किचन में, ऐसा हो ही नहीं सकता। और लोगों को लगता है ना कि यार दूसरों की किचन कितने साफ सुथरे होते, वो इसलिए नहीं होते, होते नहीं है एक्चुअली में, वो दिखते हैं हमें बैक ऑफ द कैमरा, क्या कितनी गंदगी हो रही है, क्या गिर रहा है पीछे, क्या नहीं गिर रहा, आप लोगों को कैसे ही पता चलेगा। तो यार अगर हम ये किचन साफ नहीं करेंगे तो कल से हमारा किचन में आना बंद हो सकता है, इसलिए किचन साफ होता है, क्योंकि अगर अम्मी ये सब देख लें तो बैंड हो जाऊंगी मैं किचन में। चलिए अब हम रेडी हो जाते हैं क्योंकि पेपर देने जाना है, और मैंने इस्त्री कर लिया और अभी बज रहे सारे 11, मुझे तैयार होने में सिर्फ 5 से 10 मिनट लगते हैं, और हम फौरन निकलते हैं क्योंकि मेरा कॉलेज ना बहुत दूर नहीं है, सिर्फ 5 से 10 मिनट की ड्राइव पर, तो इसलिए मैं बहुत लेट निकलती हूँ, और मैं पेपर देने जाना तो एग्जैक्ट 12 बजे ही पहुँचते हैं। सो मेरा एडमिट कार्ड और मैं अपना पेपर दिखा चुकी हूँ, और फाइनली यार बहुत अच्छा, मतलब मैंने पढ़ा नहीं था फिर भी इतना अच्छा पेपर हो गया ना। चलें घर चलते हैं, जल्दी से निकलते हैं। इस वक्त मेरी किचन की हालत कुछ इस तरीके से है, मतलब फिर भी बेटर है, बहुत बेटर है, क्योंकि मैं जिस तरीके से किचन में काम करती हूँ ना, तौबा तौबा। और एक्चुअली मैं इसलिए मैं बोल रही हूँ बेटर है कि लोग बोलेंगे ये क्या हालत बनाई हुई, इसमें बोली हूँ मैंने आज लिटरली 3 वीडियो शूट करी हैं, और ये मेरी थर्ड वीडियो शूट, ये देखें ये जो है ना ये वीडियो थर्ड शूट हो रही है। सो अब आप सोच रहे हैं 3 वीडियो एक ही दिन में शूट हुई तो किचन की हालत क्या होनी चाहिए, लेकिन फिर भी पर मैं अभी आपको बाकी मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाई, क्योंकि ऑब्वियसली रेसिपीज़ तो रेसिपी वीडियो में ही आपको पता चलेगी कि मैंने क्या बनाया, बट फिर मैं आपको दिखा दूंगी कि मैंने क्या बनाया था आज तीनों, लेकिन वो आपको इनकी रेसिपीज़ टाइम टू टाइम मिलेंगी। और गैस वाट मैं बताती हूँ, अब मैं आपको हमारे घर में कुछ नए मेहमान आए हैं, मेहमान तो नहीं है, नए सदस्य, घर हाउस मेंबर्स, घर के मेंबर्स आए हैं अब कुछ हमारे घर में नए, तो हम उनसे मिलाते हैं आपको, चले ओके आ जा। तो ये देखिए गाइस, मैं जिनकी बात करी थी आपको कि मेरे घर में कुछ नए लोग आए हैं, कुछ नए अफराद आए घर में रहने के लिए, अब ये हैं हमारे छोटे छोटे से प्यारे से तोते, ठीक है। बट ऑब्वियसली अभी नए नए आते थोड़े से घबरा रहे हैं, लेकिन आपको ज़रूर मैं बताऊंगी जब ये वीडियोस दिखाऊंगी आपकी, जब ये लोग बोलेंगे ना चले खाना बना लेते हैं, मेन काम वही है। ओके नाउ इट्स टाइम टू क्लीन ऑल द मैस जो यहाँ पे मैंने फैला के रखा है। चले अब मैं अपना किचन साफ करती हूँ अच्छे से। सो मैंने जैसा कहा कि मेरी मम्मी की बर्थडे है, तो ये वो केक है जो मेरी मम्मी की बर्थडे पे काटे थे हमने। मैंने इसकी वीडियो शूट नहीं करी क्योंकि मुझे सही नहीं लगा, मतलब मैं नहीं वीडियो शूट कर पाई, खैर हो गई। लेकिन अब ये सीन है कि आप मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों को क्या देखना है, मतलब आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं नहीं अच्छे लगते, मैं बनाऊं कि नहीं बनाऊं, मैं क्या करूं, ये आप लोग मुझे बता सकते हैं। और साथ ही आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है वीडियो अच्छी लगती है तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ ही उसके आगे बेल आइकन होता है उसे प्रेस करना है ताकि आप लोग को अपडेट मिल सके कि मैं कब नई वीडियो पोस्ट करती हूँ, और कमेंट में बता सकते हैं और वीडियो शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ भी ताकि वो इसे देखें एंजॉय करें। मतलब मेरा इतना ज़्यादा कुछ व्लॉग्स में होता नहीं है क्योंकि मुझे समझ नहीं आता, और मेरी आप लोग मुझे आइडिया दे सकते हैं कि मैं क्या कैसे शूट करूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ ना मेरे उसकी
मेरे टाइप की नहीं है, मुझे थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, सो आप लोग मुझे आइडियाज़ दे सकते हैं। ओके अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़। और बैक वॉइस और बैक नॉइज़ को ना थोड़ा अवॉइड किया कीजिए, क्योंकि घर घर में ऐसे ही होता है मेरे। ओके अल्लाह हाफिज़।